नमस्कार दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी अपनी बर्ड्स खोलते हैं वो बाहर चल जाती हैं ट्रेनिंग के वक्त, या फिर वो उड़ के ऊपर कहीं बैठ जाती हैं जिसकी वजह से हमें उनको नीचे लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम उनके विंग्स जो है ट्रिम कर देते हैं। दोस्तों, विंग्स ट्रिम करने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी बर्ड को बांध रहे हैं या फिर उनकी एक तरह से पैर ही हटा दे रहे हैं। इसका बस यही होता है, इसका मतलब या इसका इंटेंशन बस यही होता है कि आप अपनी बर्ड को ऊपर या कहीं बाहर जाने से, भागने से बचा सकें। तो दोस्तों, अभी आपको देख रहे होंगे प्राइमरी फेदर्स, जो लाइट शेडेड फेदर्स हैं उनको कहते हैं प्राइमरी फेदर्स। तो आपको यहाँ पे कितने फेदर्स दिख रहे हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब तो प्राइमरी फेदर्स जो होते हैं उनमें 9 to 10 फेदर्स होते हैं, और उसके आगे वाले जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े फेदर्स होते हैं। अगर आपकी बर्ड कभी बैठी हुई हो तो आप देखेंगे वो दोनों जो फेदर्स हैं वो क्रिस क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो फेदर्स होते हैं इनको हम लोग काटते नहीं हैं, इसके एक ही रीज़न है क्योंकि आपकी बर्ड जो होती है इससे ज़्यादा अच्छी दिखती है, और लोगों को, सारे लोगों को ये नहीं लगता कि इन लोगों ने अपनी बर्ड के फेदर्स ट्रिम कर दिए हैं। तो अब आई दूसरी बात, तो अब आपको पहला स्टेप क्या उठाना है अपनी बर्ड को विंग ट्रिम करने से पहले? तो पहला स्टेप है कि आपकी बर्ड जो है ज़्यादा नई ना हो घर पे, क्योंकि तब उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा और वो बहुत गुस्सा हो जाएगी जब आप उसको पकड़ेंगे। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम अपनी बर्ड्स को पकड़ेंगे कैसे? तो आइए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। बर्ड्स को पकड़ने के लिए पहले एक मुर्गी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ आप बर्ड्स को कैसे पकड़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आपकी बर्ड जो है आपके घर में बहुत पुराने अरसे से हैं, मतलब कि कम से कम 1 हफ्ते से हैं, तो अभी आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, बर्ड्स को अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में पकड़ते हैं, और उसका जो पंख होता है उसको अपने थंब से एक्सटेंड करते हैं, जिसकी वजह से इसके 2 कारण होते हैं। आपकी बर्ड आपको काट नहीं पाएगी और ये ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। तो जैसे कि आपको देख रहा है कि आपकी जो बर्ड है वो अब आपने पकड़ ली होगी, तो आइए अब बताता हूँ मैं कि कैसे हम अपनी बर्ड्स की फेदर काटते हैं। तो शायद आपको दिख रहा होगा कि आप अभी कोई जो इमेज है उसमें जो प्राइमरी फेदर्स है वो डार्क शेडेड है, और जो प्राइमरी फेदर्स में जो होते हैं ये 10 फेदर्स होते हैं, आपको देख रहा होगा अभी मैंने जूम कर दिया है। तो अभी आपको ये सब देख रहे हैं, अभी इसकी जो वाइट लाइन है आपको बस वाइट लाइन तक काटने हैं, और ये जो है इसमें 8, 9, 10 ये जो फेदर्स हैं मतलब कि स्टार्टिंग की 3 ये छोड़ देने हैं, और आपको बाकी फेदर्स से, तो आपको ये सब दिख रहे हैं, ये आपको स्टार्टिंग के जो ये फेदर्स हैं इन सबको काट देने हैं। तो फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने बर्ड को पकड़ते कैसे और काटते कैसे हैं। तो काटने के लिए आपको यूज़ करनी है एक सिज़र, जैसे कि इमेज में दिखाया जा रहा है कि वो जो है अपने बर्ड के जो प्राइमरी फेदर्स है उसके बाद जो सेकेंडरी फेदर्स है उनको भी काट दे रहा है। तो ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि आपकी लास्ट में आपकी जो बर्ड होगी वो फिर बिल्कुल भी उड़ नहीं पाएगी, वो एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगी और वो कभी भी गिर सकती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं आपके बर्ड को। तो फिर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से फेदर्स काटने हैं और कैसे कैसे काटने हैं। तो ये आपको जो इमेज दिख रही है इसमें जो कैची बनी है उसके आगे जितने भी फेदर्स हैं वो सब काट देने हैं, सिवाय वो डार्क शेडेड फेदर्स के, क्योंकि ये जो डार्क शेडेड फेदर्स हैं ये आपकी बर्ड के वही फेदर्स हैं जो क्रिस क्रॉस करते हैं आपकी बर्ड को। अभी मैं इसको लास्ट में दिखाऊंगा, तो ये वो फेदर्स हैं जो आपकी बर्ड का क्रिस क्रॉस करते हैं। तो मैं आपको एक और इमेज दिखा रहा हूँ, इसमें आपको कुछ फेदर्स दिख रहे होंगे ताकि आप अपनी बर्ड के विंग्स का कुछ प्लान देख सकें। तो देख लीजिए एक बार, आपको प्राइमरी फेदर्स दिख रहे होंगे और कुछ सेकेंड। तो दोस्तों, ये रहे क्रिस क्रॉस्ड विंग्स, देख लीजिए, आपको मैंने वादा किया था मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा।